नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज मौर्य। आप देख रहे हैं कॉम्पो ट्रिक्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे किस तरह से आप अपनी वीडियोस पे इंप्रेशन बढ़ा सकते हैं, किस तरह से अपनी वीडियोस पे अच्छे खासे व्यूज ला सकते हैं। इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा स्किप मत कीजिएगा। अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न कर रखा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं आखिर आप लोगों को करना क्या है। दोस्तों, YouTube पर वीडियो का इंप्रेशन बढ़ाने के लिए आपको चार पॉइंट्स का ध्यान रखना है। वो चार पॉइंट्स कौन से हैं, इसी बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो होता है टॉपिक। जहां दोस्तों आपको अपनी YouTube वीडियोस का ऐसा टॉपिक सिलेक्ट करना है जो सर्चेबल हो। सबसे पहले जिस भी टॉपिक पे आप वीडियो बनाना चाहते हैं उसे YouTube पर जाकर सर्च कर लीजिए, और YouTube पर जाने के बाद ये भी देखिए क्या ये टॉपिक ट्रेंडिंग टॉपिक है, क्या ये टॉपिक ट्रेंड में चल रहा है। अगर ट्रेंडिंग टॉपिक होगा तभी आपकी वीडियो के इंप्रेशन ज्यादा आएंगे, और इंप्रेशन ज्यादा आएंगे तभी आपकी वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज भी आएंगे। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर इंप्रेशन होता क्या है। मान लीजिए आपने कोई वीडियो अपलोड करी है यूट्यूब पर, यूट्यूब आपकी वीडियो को कितने लोगों के पास भेजता है, चाहे वो ब्राउजिंग फीचर के जरिए हो, चाहे नोटिफिकेशन या फिर सजेस्ट वीडियो के थ्रू। जितने लोगों के पास आपकी वीडियो का थंबनेल वहां पे जाता है, जितने लोगों को, मान लीजिए 1000 लोगों के पास आपकी वीडियो हमें दिखा है, तो वो आपका इम्प्रेशन होगा। जी दोस्तों, वो अलग बात है कि उस पर कितने लोगों ने क्लिक किया है। जितने लोग उस पर क्लिक करेंगे वो आपका हो जाएगा CTR, मतलब क्लिक थ्रू रेट। ठीक है दोस्तों, पहले पॉइंट में हमने जाना कि आपको अच्छा सा ट्रेंडिंग टॉपिक सिलेक्ट करना है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो होता है आपके वीडियो का थंबनेल। जी हाँ दोस्तों, वीडियो का थंबनेल ही डिपेंड करता है कि कितना आपके वीडियो पर क्लिक होगा। थंबनेल जितना अच्छा होगा उतने ही ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं आपके वीडियो पे क्लिक होने के, और उतने ही ज्यादा चांस हो जाते हैं आपकी वीडियो पे व्यूज आने के। आपने अच्छा ट्रेंडिंग टॉपिक भी सिलेक्ट कर लिया है, और उसके बाद अच्छा सा थंबनेल भी बना लिया है। अब जो तीसरा पॉइंट आता है वो होता है एंगेजमेंट का, मीन्स कि आपकी वीडियो पे कितना ज्यादा एंगेजमेंट आ रहा है, कि लोग आपकी वीडियो को देखने के बाद कितने ज्यादा लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं या कुछ कमेंट करते हैं। जितनी ज्यादा आपके वीडियो पर लाइक होंगे, डिसलाइक होंगे, कमेंट्स होंगे, जितनी ज्यादा एंगेजमेंट होगी आपकी वीडियोस पर, उतनी ही ज्यादा इंप्रेशन YouTube आपकी वीडियोस के भेजता है। ठीक है दोस्तों, ये थे तीन पॉइंट। पहला पॉइंट था आपका ट्रेंडिंग टॉपिक होना चाहिए, आपका थंबनेल अच्छा होना चाहिए, तीसरा आपका एंगेजमेंट बहुत ही ज्यादा अच्छा होना चाहिए, और जो लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वो होता है ऑडियंस रिटेंशन पॉइंट। जी दोस्तों, आपकी वीडियोस पर कितनी देर आपकी ऑडियंस रहती है ये बहुत ही ज्यादा डिपेंड करता है आपकी वीडियोस के इंप्रेशन के लिए। मान लीजिए आपने कोई 10 मिनट की वीडियो अपलोड की है लेकिन आपकी ऑडियंस उसको सिर्फ 1 मिनट के लिए ही देखती है, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपकी ऑडियंस का रिटेंशन जो परसेंटेज है वो होता है सिर्फ 10%। जब भी आपकी ऑडियंस का रिटेंशन परसेंटेज 50% से अबव होगा तो ये YouTube की नजर में बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आपकी ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा आपकी वीडियो को देखे, ज्यादा देर तक आपकी वीडियो पर टिकी रहे, ताकि आपकी वीडियो का इंप्रेशन ज्यादा से ज्यादा जा सके। दोस्तों, इन चार पॉइंट्स का ध्यान रखकर आप भी अपनी वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं, और अपनी वीडियोस पर अच्छा खासा इंप्रेशन लाके उस पर अच्छे खासे व्यूज ला सकते हैं। दोस्तों, इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। अगर आप लोगों को फिर भी कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चलिए फिर मुलाकात होगी इसी तरह की टिप्स और ट्रिक्स के साथ। देखते रहिए कॉम्पो ट्रिक्स।